ऐसा सौरभ है, सौरभ कितने साल के हो? 22 years old. 22 years के. तो सौरभ एक साल से या छह महीने से कब से दिक्कत है? एक साल से सौरभ को बहुत दिक्कत है. सौरभ की हमने फुट असेसमेंट भी किया है और हमें पता चला है इसके एंगल्स बहुत ज्यादा टेढ़े हो चुके हैं, लेग्स, जिसको हम सीवियर कंडीशन बोलते हैं. ये मैंने सौरभ को दिखाया है. सौरभ अपनी जरा प्रॉब्लम बताओ व्यूअर्स को. और अभी तक मैंने आप देखेंगे कि इसकी कपिंग किया है, नीडलिंग किया है. प्रॉब्लम पिछले एक साल से थी, अब जा भी मैं आज दिस इज माय फर्स्ट डे एंड इट हैज सम रिलीज नाउ, रिलीफ नाउ. हां तो क्या दिक्कत थी ये बताओ, कैसे हुई? जैसे आप मुझे, आई वाज डूइंग क्रंचेस एंड उसके बाद कमर बैक में काफी पेन होने लगा, लोअर बैक में. धीरे धीरे वो अपर बैक में भी आ गया सारा पेन. अच्छा, तो ये जो बैक में पेन आ रहा है, आप बताइए, जब भी खेलते कूदते हो तो बढ़ जाता है और उस बढ़ने की वजह से अगले एक हफ्ते तक आपको काफी दिक्कत में रहना पड़ता है. आप ये समझ गए कि आप फुट असेसमेंट के बाद कि आपका दर्द क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही आप भागते दौड़ते हो, आपके पाँव क्योंकि बाहर की तरफ रहते हैं, सारा का सारा प्रेशर कहाँ आता है? पूरी बैक पे आता है. और ये एक चीज बोल रहा था जो मैं उसको बोलूंगा कि ये सोच रहा था मेरी गलती से पेन बढ़ गया या ऐसी चीज है, तो तेरी इसमें कोई गलती नहीं है. ठीक है, तो जो तुझे ध्यान रखना है वो अपने पाँव के लिए इंसोल लेना है ताकि प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए. और व्यूअर्स प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से मैं इसका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ. और ये ऑलरेडी बेटर फील कर रहा है, मुझे इसको करीब 5-7 दिन के लिए बोला है. काफी दूर से आ रहा है, नजरबर्ग के पास इसका गाँव है वहां से, तो मैं इसको रोज तो नहीं बुला सकता, इसके लिए बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाएगा. तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार जितना ये आ सकता है उतने फ्रिक्वेंटली ये आ जाएगा. आप बताओ ये उसको कैसा लगा? अभी तो पता है नहीं, थोड़ा देखो आराम से. ये बहुत स्टिफ है, बहुत टाइट है, ये जानता है और मैं जानता हूं. थोड़ा तो अभी है पेन, चल के देखो, वॉक करके देखो. चलो व्यूअर्स, मैं इसका आज इसको आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ. और आई होप इसको फायदा मिले और आप लोगों में से भी किसी को उससे मिला दिक्कत हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, अगर आप सोचते हैं कि आपके बैक पेन की वजह से आप परेशान हैं, हो सकता है आपके पाँव की दिक्कत की वजह से आपका बैक पेन हो रहा हो,
तो प्लीज अपने पाँव का चेकअप कराने के लिए हमारे पास आ सकते हैं या किसी और से भी आप करवा सकते हैं जिसके पास में ये मशीन हो फुट बैलेंस की। कोई भी सवाल हो क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।